नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं वर्षा बिहार अनेक से। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पे। डोरी किसान संघर्ष मोर्चा की बैठक नरसिंह बीघा गांव में कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सरकार के प्रति आक्रोश जताया गया। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई है लेकिन धरातल पर नहीं उतर रही है। आंशिक छूट के साथ लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा। बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया। वही राज्य सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। बिहार में अब लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। बिहार के शहरी इलाकों में पहले लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब उन्हें 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी है, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज अभी बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में फिलहाल 25% कर्मियों के साथ कामकाज शुरू होगा। परिवहन के मामले में फिलहाल सख्ती जारी रहेगी, लेकिन कारोबार के दायरे में अब लोगों को ज्यादा छूट मिल पाएगी। COVID-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्था पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है। इसको लेकर थोड़ी देर में सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होने वाली है। रोहतास जिले के संजौली थाना की पुलिस ने चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि के स्कूल में हुई चोरी के मामले में बाजार के रेड लाइट एरिया के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। चिनारी प्रखंड के 2 पैक्स अध्यक्षों को सरकार ने ट्रैक्टर मुहैया कराया है। BCO लाला राजीव रंजन ने बताया कि चिनारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नीरज गुप्ता व उकहनी पंचायत के मिथिलेश कुमार सिंह को सोनाली का ट्रैक्टर प्रदान किया गया। इन ट्रैक्टरों से पंचायत के किसानों को सस्ते दर पर खेतों की जुताई होगी। कर्मछाता गांव में विद्युत स्पर्शाघात से 60 वर्षीय किसान दशरथ पासवान की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक धान का बिछड़ा डालने के लिए खेत का पटवन करने के लिए दशरथ पासवान घर के बगल में अपना मोटर पंप चालू करने गया था। बारिश होने से पंप भीगा हुआ था, इससे पंप में करंट आ गया था। यही कारण है कि जब किसान पंप चालू करने का प्रयास किया तो उसे करंट लग गया। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में समाज सेवी अख्तर हुसैन ने डेही शहर के विभिन्न स्थानों पर गरीबों के बीच खाने के पैकेट का वितरण किया। इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा निर्धन और असहाय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा मदद गरीब और मजदूरों को की जा रही है। इसी के तहत बहरी शहर के समाज सेवी अख्तर हुसैन ने भी पूरे कोरोना काल में निर्धन और असहाय लोगों की मदद करने की बीड़ा उठाई है। अख्तर हुसैन शहर का भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट और पानी का वितरण कर रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब इस लॉकडाउन में भूखा ना रह सके। अख्तर हुसैन के इस दरिया दिली कदम से समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। राजपुर प्रखंड के राजपुर स्थानीय बाजार में CCTV कैमरा लगाने की मांग के लिए समाज सेवियों की बैठक राजपुर चौक स्थित चौधरी मोहल्ले में नागेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बाजार क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए CCTV कैमरा से लैस करने के मुद्दे पर बैठक के दौरान विचार विमर्श किया गया। लोगों ने कहा कि बाजार क्षेत्र में सड़क दुर्घटना, बाइक चोरी, अपराधियों द्वारा अपराध को अंजाम देने के लिए मूवमेंट समेत अन्य कई तरह की घटना आए दिन होती है, इसलिए कैमरा लगाना आवश्यक है। देश वर्षा के साथ ओम प्रकाश सिंह का रिपोर्ट। धन्यवाद।